नमस्कार, जय हिंद। तो अभी हम यूपी फार्मेसी काउंसिल के ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं और यहाँ पे एक अपडेट आ रही है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन आर हियर बाई इन्फॉर्म दैट इफ़ एनी क्वेरी हैज़ बीन रेज बाई द काउंसिल अगेंस्ट देयर एप्लीकेशन, देन द एप्लीकेंट विल हैव टू रिप्लाई द क्वेरी विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिंग द क्वेरी। इफ़ द एप्लीकेंट फेल टू डू सो देयर एप्लीकेशन शैल बी लाइबल फॉर ऑटो रिजेक्शन आफ्टर द स्टिपुलेटेड टाइम। तो देखिए, यहाँ पे यूपी फार्मेसी काउंसिल की तरफ से एक नोटिफिकेशन आई है और इस नोटिफिकेशन का मतलब ये है कि अगर आपने अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया है, ऑनलाइन रिन्यूअल किया है और अगर वहाँ पे कोई क्वेरी आ गई है तो उसका रिस्पॉन्स आपको 30 दिन के अंदर देना होगा। अगर आप उसका रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, वहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट आपसे अपलोड करने के लिए कहा गया है अगर आप उसको अपलोड नहीं करते हैं तो 30 दिन के बाद जो आपका एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपका जो एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये इस समय एक बड़ी अपडेट यूपी फार्मेसी काउंसिल की तरफ से आ रही है। तो अगर आपके एप्लीकेशन में कोई भी क्वेरी आई है तो उसका रिप्लाई आप जल्दी से जल्दी दें। वहाँ पे आपसे जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहा गया है उसको आप जल्दी से अपलोड करके उसका रिप्लाई दें, अन्यथा 30 दिन के बाद आपका जो फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दें। आपका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।